अभिनेता श्रेयस तलपड़े को गुरुवार 14 दिसंबर की शाम को दिल का दौरा पड़ा और मुंबई के अंधेरी इलाके के बेलव्यू अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। उनकी हालत स्थिर है और अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि वह ठीक हैं। अस्पताल ने पुष्टि की कि एंजियोप्लास्टी गुरुवार 14 दिसंबर को रात लगभग 10 बजे की गई। उन्होंने यह भी साझा किया कि सर्जरी सफल रही और अभिनेता स्थिर हैं। अस्पताल ने कहा उन्हें देर शाम भर्ती कराया गया और प्रक्रिया रात करीब 10 बजे हुई। अब उनकी हालत ठीक है और कुछ दिनों में उन्हें छुट्टी दे दी जानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि श्रेयस तलपड़े मुंबई में शूटिंग के बाद दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गए। गुरुवार शाम वेलकम टू जंगल की शूटिंग के बाद बेचैनी की शिकायत पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 47 वर्षीय तलपड़े हिंदी और मराठी सिनेमा के एक प्रशस्त अभिनेता हैं। उन्हें 2005 की फिल्म इकबाल में एक विशेष रूप से थलीट की भूमिका निभाने के लिए लोकप्रियता मिली, जिसमें नशीरुद्दीन शाह भी शामिल थे। इकबाल के साथ अपनी सफलता से पहले श्रेयस तलपड़े ने मराठी टीवी शो और नाटकों से प्रसिद्धि हासिल की। वह बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें ओम शांति ओम, गोलमाल रिटर्न्स और हाउसफुल 2 शामिल है, और डोर जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में भी शामिल हैं।